राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 विस्तार नया 109 किलोमीटर 2 में वीरभट्टी नामक स्थान पर निर्माणाधीन पुल के एबटमेंट का कास्टिंग कार्य किया जा रहा है। एबटमेंट के कास्टिंग कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में श्रमिक एवं मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा। डीएम सविन बंसल ने बताया कि एबटमेंट की कास्टिंग कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए जोलीकोट भवाली मार्ग 28 जून प्रातः 4 बजे से 29 जून की प्रातः 4 बजे तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में यातायात को वाया भीमताल एवं वाया नैनीताल से संचालित किया जाएगा। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यातायात संचालित होते समय मार्ग में पुलिस विभाग के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के अधिकारी एवं कार्मिक निर्धारित परिधान में उपस्थित होकर यात्रियों का मार्गदर्शन करेंगे। अनलॉक 2 में उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा शुरू कर सकती है। देवास्वराम बोर्ड ने चारधाम वाले सभी जिलों से 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि रिपोर्ट 28 जून तक मिल जाएगी, जिसके बाद बोर्ड की बैठक में यात्रा का स्वरूप तय किया जा सकता है। फिलहाल मांग यात्रा को प्रदेश स्तर पर शुरू करने की है। शुक्रवार को चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। उन्होंने 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में यात्रा शुरू करने की मांग की है। ममगई ने बताया कि सीएम ने इस पर सहमति दी है, लेकिन कहा है कि पहले सभी धामों के संबंधित पक्षों से बात की जाएगी। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने बताया कि चारों धामों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद बोर्ड की बैठक होगी, जिसके बाद तय किया जाएगा कि यात्रा कब से शुरू की जाए। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश जारी है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने दूसरे दिन भी सरकार और बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने शीघ्र बोर्ड रद्द नहीं किए जाने पर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सरकार देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से सदियों से चली आ रही सनातन परंपराओं को ध्वस्त करने की साजिश कर रही है। सरकार को धामों की व्यवस्था से कोई लेने देना नहीं है और सिर्फ धामों से जुड़ी परिसंपत्तियों पर कब्जे के लिए यह बोर्ड बनाया गया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने कोरोना संक्रमण में चार धाम यात्रा संचालन का विरोध किया है। उन्होंने सरकार द्वारा यात्रा को लेकर समय समय पर दिए जा रहे बयानों की निंदा करते हुए कहा है कि उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन तेज किया जाएगा। राजधानी देहरादून में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, गाड़ियों का पंजीकरण कराने, फिटनेस जांच और टैक्स जमा करने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। वाहन स्वामी सोमवार से आरटीओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। बता दें कि आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, पंजीकरण या फिटनेस जांच कराने के लिए लैंडलाइन से पंजीकरण कराना पड़ता है, लेकिन लैंडलाइन पर वाहन स्वामियों की संख्या हजारों में होने की वजह से कई वाहन स्वामी पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। कई वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन मंत्री समेत आला अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया। इस पर अधिकारियों ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि वाहन स्वामियों के पंजीकरण ऑनलाइन कराए जाए। आरटीओ डीसी पठाई ने बताया कि विभाग की ओर से वेबसाइट तैयार कर ली गई है, इस पर सोमवार से वाहन स्वामी पंजीकरण करा सकेंगे। राज्य में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग ने अहम कदम उठाया है। स्वरोजगार योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है, जहां योजनाओं के संबंध में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बेरोजगार प्रदेश के भीतर विभिन्न मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें खरीदकर रोजगार शुरू कर सकते हैं। बसों का संचालन परिवहन निगम के निर्धारित रूटों के साथ ही अंतर नगरीय क्षेत्रों में किया जाएगा। स्वरोजगार शुरू करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति घर बैठे आवेदन कर सकता है। इस बारे में पर्यटन विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि ऑनलाइन से वक्त बचेगा और घर बैठे ही पूरा कार्य होगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और होम स्टे योजना के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।